कहना ये चाहते हैं कि नाला सुपारा एमआर हुसैन बहुजन विकास आघाड़ी लास्ट 35 साल से डेवलपमेंट किया है, रोड रास्ता गटर पानी सब सुविधा बहुजन विकास आघाड़ी के नेतृत्व में मिली है। मैं भी एक गुजराती हूँ, लास्ट 20-25 साल से क्षितिज दादा अप्पा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम गुजराती समाज संस्था श्री शैलेश भाई देसाई हमारे प्रमुख है, हम सब मिलके हर 20 साल से बहुजन विकास आघाड़ी को सहयोग करते हैं और उनकी तरफ से भी हर एक कार्यक्रम में हमें सहयोग भी मिलता है और हमारे सुख दुख में भी अप्पा और क्षितिज दादा आते हैं। महिला मंडल में भी प्रवीणा बेन हमेशा हाजिर रहते हैं, नवरात्रि रहेगा गणपति रहेगा, हमें सब तरह का सहयोग मिलता है। तो आगे भी गुरु जी हमारे हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे। कहना चाहोगे तो यहाँ पे बड़ी तादाद में बहुजन विकास आघाड़ी के स्थानीय पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद है। अभी सब लोग राज भाई ये समझते होंगे कि आज नामांकन दिवस है, मैं तो कहता हूँ कि आज ये विजय जुलूस है और ये नामांकन का दिन तो है। नामांकन भरना मतलब नाला सुपारा विधानसभा की सीट पूरी तरह से जीतना है। जिस तरीके से आज अपने भवन से लेकर के यहाँ तक लोग पैदल चल करके आए, आम नागरिक कार्यकर्ता ही नहीं आम नागरिक, ये जो बहुजन विकास आघाड़ी है ये आम नागरिक की पार्टी है। इसमें कार्यकर्ता ही नहीं नागरिक स्वयं प्रचारक होते हैं, नागरिक स्वयं सुधारक होते हैं और नागरिक ही सहयोग करते हैं और सहयोग लेते हैं। तो इस प्रकार से आज जो वातावरण है हर जाति धर्म का, चाहे वह मुस्लिम समाज हो चाहे वह ईसाई समाज हो और चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो, गुजराती समाज हो राजस्थानी समाज हो उत्तर भारतीय समाज हो, सब में एक भावना अंदर से एक भावना है कि इतने वर्षों से एक गार्जियन के रूप में हितेन ठाकुर जी का जो लोगों के प्रति प्यार रहा है, स्नेह रहा है, संरक्षण रहा है, विकास रहा है, सुख दुख में कथा पूजा पाठ से लेकर के छोटे बड़े कार्यक्रमों से लेकर के हर जाति धर्म को समान अवसर मिला है। कोई भी ऐसा हमको शहर बताइए जहां पर जातीय या धार्मिक दंगे की बू न आती, लेकिन भाषा की बू न आती हो। जब पूरा मुंबई जल रहा था, उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा था, बसई तालुका में पूरी तरह से लोग सुरक्षित थे, यहाँ पर रेलवे का एग्जाम एकदम सुरक्षित चल रहा था, क्योंकि हितेन ठाकुर जैसा सेठ यहाँ पर जब तक दहाड़ता रहेगा तब तक जितने गीदड़ हैं वो बसई तालुका से दूर ही रहेंगे। गीदड़ धमकी होती है, जब चुनाव आते हैं तो दूर दूर से लोग प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं, लेकिन जो हमेशा दिन रात अपने बीच में रहता है उनमें दोनों में अंतर है, आते हैं प्रचार करके चले जाते हैं। जैसे लोग यहाँ आएंगे लुभाने के लिए कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, हम उत्तर प्रदेश से मंत्री हैं, अरे उत्तर प्रदेश से मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, राजस्थान के विधायक हैं आप, लेकिन आप आ जा रहे हो ना, आज आप आ रहे हो, आओगे झगड़ा लगा करके जात के नाम पर भाषा के नाम पर धर्म के नाम पर झगड़ा लगा कर चले जाओगे। लेकिन जो हमारे दुख सुख में हमेशा रहता है, हमेशा कुछ थोड़ी भी जरूरत है तो हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहे हैं क्योंकि ये गार्जियन के स्वरूप रहे हैं, हमको प्यार भी करते हैं, कभी डांटते हैं तो भी हमको सहना है क्योंकि हमारे गार्जियन है, ये तो एक रिश्ता है। और एक रिश्ता हम लोगों का जैसे पिता पुत्र का होता है, पिता बेटी का होता है, भाई भाई का होता है, उसी तरीके से बसई बिरार नाला सुपारा में हम रह रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पर हमारे शैलेश देसाई इतने बड़े उद्योगपति हैं और ये हमारे साथ हैं और हमारे दिग्गज पत्रकार बंधु हैं अभी शेखर भाई वगैरह, महेंद्र शर्मा जी, जितने लोग हैं उत्तर भारतीय समाज नहीं हर समाज के लोग, और ये भाड़े पर लाए हुए लोग नहीं है। और ये भी लोग महसूस करते हैं कि दूसरे किसी भी दल में बड़े बड़े नेता होने, दूसरे किसी भी दल में यहाँ पर स्थानीय कोई समस्या रहेगी, कोई भी समस्या होगी तो स्थानीय स्तर पर कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए आएगा। इसलिए मैं क्या बोलूं, हमारे गुरुजी ने इतना बोल दिया ना कि कहीं पे जगह ही नहीं छोड़ी, ये शॉर्टकट में पूरी बहुजन विकास आघाड़ी का इतिहास बता दिए। लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इतना ही बोलना चाहूंगा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। राज भाई घुमा दो कैमरा, ये काफिला दिखा दिया। इसके बाद में मैं क्या बोलूं, बहुजन विकास आघाड़ी चाहिए। भाई क्या कहना चाहोगे? बहुजन विकास आघाड़ी 1 से 1.5 लाख
कोटो से विजय होकर आ रही है। यह तय है बहुजन विकास अघाड़ी जीत के आ रही है। हम सभी कार्यकर्ता और जनता का पूरा सहयोग, बसई वीरान का पूरा सहयोग जी। मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है, बीजेपी है या कांग्रेस है? हम किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते, हम अपने विकास के कार्यों से चुन के आएंगे। यह आप लिख लीजिए, आने वाले समय में 23 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हमारा पूरा उत्तर भारतीय बहुजन विकास अघाड़ी के साथ है और रहेगा। क्या कहना चाहोगे जो लगातार जो जनता समर्थन और सहयोग के लिए उतर पड़ी है? मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जैसे आपने देखा ये नामांकन पत्र नहीं, ये विजय जल्लोष का आगाज है। अभी ये तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 23 तारीख को पूरा क्लियर का क्लियर हो जाएगा। दल कोई भी हो विकास एक ही है, बहुजन विकास अघाड़ी। कोई भी प्रांत के लोग आते हैं, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, राजस्थान से हो, गुजरात से हो, मारवाड़ से हो, और यहाँ के महाराष्ट्रन हो, सभी को यहाँ पे जातिवाद प्रांतवाद नहीं किया जाता है। ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है। इसके लिए हम सभी दादा के साथ हैं और विजय सुनिश्चित है। कांग्रेस ने एक दाव खेला है, उत्तर भारतीय चेहरा दिया है, कितना आपको? यशु भाई बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने दाव खेला है, इसके पहले बहुत दल हैं। उत्तर भारतीयों में कौन से दल को टिकट मिलता है जब चुनावी माहौल आता है? जैसे कि मन्नी श्री केडी शर्मा जी ने बोला कि चुनाव के माहौल में लोग यहां आते हैं और लंबा लंबा छोड़ के चले जाते हैं, चाहे प्रांतवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे भिड़ा के चले जाते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय यहाँ पे सब जागरूक है। उनको पता है कि हमारा संरक्षक, जिस समय यहाँ पे एक दौर था कि उत्तर भारतीयों को पलायन करने पे मजबूर किया जाता था किसी पार्टी द्वारा, तब वसई वीरा नाला सोपारा या पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोक नेते हितेंद्र जी ठाकुर अप्पा साहब ने ही उत्तर भारतीयों को संरक्षक दिया था। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ के एक बूथ पर पिछले लोकसभा चुनाव में एक नारा लगा था, अबकी बार 400 पार जाम में एक हमार, तो इसका मतलब क्या आपने बहुजन विकास अघाड़ी ने तब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, क्योंकि ये नारा बीजेपी का था 400 पार? देखिए, केंद्र की बात जहां तक होती है वो केंद्र के लिए होता है, बाकी यहाँ जो है उत्तर भारतीय सब विधानसभा में अप्पा के साथ हैं, दादा के साथ हैं, और आपको 23 तारीख को सामने रिजल्ट मिलेगा। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।